एक बात कसम खा के कहे मुझे, क्या आपको कभी ऐसा फोन आया कि एक बंदा मदरसे से फारिग हुआ, उसने बुखारी पूरी पढ़ी हो, उसने कुरान पूरा हिफ्ज किया और वो कह रहा है हाफ साहब मेरा साइकिल दे दियो, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मैं को ट्यूशन वास्ते मैंने सवारी चाहिए, कभी फोन आया ऐसा? ईमानदारी से बताएं आप, एक बच्चा जो 8 साल इतना अजीम तालीम हासिल कर रहा है, उसके उसके सीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद हैं, उसके सीने में कुरान है, किसकी जिम्मेदारी थी उसकी मईशत को बेहतर करना? क्या ये हदीसें पूरी याद करके, क्या पूरा कुरान याद करके हाथ फैलाना, ये कौन सा दीन है? चलो आपको भी हम दावत देंगे कासिम अली शाह साहब के साथ मिलके कि हम मदारिस के बच्चों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ करें, इनको मौके फराहम करें। देखिए आप मुझे बात बताएं, एक बच्चा इतनी अजीम तरीन हासिल करने के बाद हाथ फैलाता, क्या मदारिस की अशराफिया को या मुंतजमीन को नजर नहीं आता कि हमने हमारा बच्चा जो है वो दही भले की रेडी लगाने के लिए इस वक्त जो है वो ताज है? एक बच्चा जिसने बुखारी पूरी पढ़ ली, एक उसने हिफ्ज कर लिया, उसने पूरा किताबें जो है वो हिफ्ज कर ली सारी, जो मदरसे की तालीम पूरी उसने खत्म कर ली, आप मुझे बताएं वो मुआशरे के अंदर क्या करे? आपने तो उसका कंसेप्ट जो है वो उसके उसके उसकी माइंडसेट ये बना दिया कि तू दीन के लिए वक्फ है तो दुनिया का जो भी अगर कोई काम करेगा तो तू कुफर करेगा, आपने उसका माइंडसेट ये बना दिया, आप मुझे बताइए कसूरवार कौन है? मुआशरे के अंदर हाफिज सज्जाद जैसे बंदे और क्यों नहीं निकले? हाफिज सज्जाद साहब मदरसा पढ़ के इस वक्त मेंबर रसूल पे भी बैठते हैं, तरावीह पढ़ाते हैं, कारोबार भी करते हैं, मुआशरे के अंदर आज जैसे लोग क्यों नहीं प्रोड्यूस हुए? किसने रोका? क्या बंदिशें थी? आप क्यों नहीं खुल के बात करते हैं?